तो फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। बिहार बोर्ड के टेंट के जो भी छात्र 2020 में एग्जाम दिए थे वैसे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन लेकर एक बड़ी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है जो सभी छात्रों के लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। जैसा कि देख सकते हैं बताएगा कि बिहार बोर्ड 2 दिनों में लेगे 10वीं की कॉपियों की जांच करने के बारे में फैसला। यहां पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस स्टार्ट करने को लेकर बिहार बोर्ड बहुत बड़ा एक फैसला लेगा। क्या वह फैसला आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगला वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो यहां पर बोर्ड ने लगातार मंथन किया जा रहा है कि कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस को लेकर एक बड़ी फैसला लिया, तो क्या वह फैसला है तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, सारा इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले लाखों परीक्षार्थी का इंतजार खत्म हो सकता है। यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार का वक्त तो समाप्त हो सकता है। यहाँ पर आप लोग को बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से लगातार कॉपियों को मूल्यांकन की काम टल रहा था, लेकिन लगता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने अब 10वीं की परीक्षा के शेष उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन की कार्य प्रारंभ करने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस स्टार्ट करने का फैसला ले लिया है बिहार बोर्ड के द्वारा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सारा 75% कॉपियों को मूल्यांकन हो गया है और 25% ही कॉपियों को मूल्यांकन बचा हुआ है, जिनके कारण से लॉकडाउन की वजह से लगातार यहाँ पर आप लोग को लॉकडाउन दिन पर दिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जिनके कारण से कॉपियों को मूल्यांकन की काम भी टलता जा रहा है। तो इस स्थिति में बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन में ही आप लोग को कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो और रिजल्ट दिया जाए। तो क्या आप लोगों को जैसा कि यहां पर बताया गया 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, तो इस स्थिति में कॉपियों को मूल्यांकन को लेकर बताया गया कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के बाद मूल्यांकन की कार्य को फिर से शुरू किया जाए या नहीं किया जाए, इस मुद्दे पर सोमवार से बिहार बोर्ड लगातार मंथन करता रहा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सुबह सर्कुलर जारी किया कि 17 मई तक मूल्यांकन की कार्य को स्थगित किया गया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मूल्यांकन के काम को बहाल करने को लेकर 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 17 मई तक यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस बंद करने के लिए लिया गया, यानी कॉपियों को मूल्यांकन 17 मई तक आप लोग को रहेगा, कॉपियों को मूल्यांकन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यह सर्कुलर आप लोगों को जारी करने के बाद बोर्ड ने फिर से यह मंथन किया कि यहां पर कॉपियों को मूल्यांकन लॉकडाउन की वजह से यहां पर आप लोगों को रोका गया था, लेकिन यहां फिर से आप लोगों को कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस स्टार्ट करने का निर्देश दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के कारण यहां से बहुत सारे कार्यालय की काम में यहां पर छूट दी गई थी। इस स्थिति में आप लोग को यहां पर कॉपियों को मूल्यांकन की भी यहां पर स्टार्ट करने की प्रोसेस बताई जा रही है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहां पर कॉपियों को मूल्यांकन को लेकर स्टूडेंट रिजल्ट को लेकर इंतजार करना पड़ रहा। तो इससे लेकर यहां पर बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया कि आप लोगों को कॉपियों को मूल्यांकन 2 दिन के अंदर यहां पर यह फैसला लिया जाएगा कि कॉपियों को मूल्यांकन को स्टार्ट किया जाए और रिजल्ट आप लोग को सही समय पर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड ने यह बड़ा फैसला आप लोग को ले लिया। अब रिजल्ट ही जल्द ही आप लोग को जारी कर दिया जाएगा, 17 मई से पहले यहां पर आप लोग को रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। यहां पर बहुत एक बड़ी नोटिफिकेशन है आप लोग को, क्या आप 2 दिनों में वो फैसला आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो फैसला लिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की भी बिहार बोर्ड से परेशानी होती है तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।